कानपुर में मंगलवार रात को लूडो खेलते समय दो दोस्तों में झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि युवक ने घर से तमंचा निकालकर दोस्त के पेट में गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालात बिगड़ने पर उसे हैलेट रेफर कर दिया गया। ये घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथीपुर गाँव की है। आपको बता दें कि महाराजपुर थाना प्रभारी सतीश राठौर ने बताया कि मंगलवार रात 9 बजे मोनू कुरील और कमल कुशवाहा मोबाइल पर लूडो खेल रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इतने में ही कमल अपनी झोपड़ी में से तमंचा निकाल कर ले आया और मोनू को गोली मार दी। फायरिंग और चीख पुकार की आवाज़ सुनकर गाँव वाले मौके पर पहुँचे तो वहां देखा कि मोनू लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।